हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इसमें अभी हम लोग यूनिट वन, जो कि इसका मेन जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसमें हम लोग एंटर करेंगे। और उसका जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन कोर्स कंप्लीट करने के लिए मैं ये टॉपिक इसमें बता रहा हूं। देखिए, टोटल आज तक 1940 से लेके अभी तक, प्रेजेंट तक टोटल 5 जनरेशंस आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं 1940s से प्रेजेंट। ठीक, उसके बाद लगभग सारे जनरेशन में, इसको अलग अलग जनरेशन क्यों कहें, क्योंकि साल तो साल बदलता जा रहा है, लेकिन इसको 1940s से 56 फर्स्ट जनरेशन, 56 से 63 सेकेंड जनरेशन ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा था वो एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में कुछ नया आ जा रहा था, इसलिए उसको जनरेशन का नाम दिया गया। तो इसमें टोटल मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। सो मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट फंडामेंटली चेंज द वे कंप्यूटर ऑपरेट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें कुछ फीचर देखते हैं कि ठीक है, अगर मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं तो क्या ऐसे मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं। तो चार चीजों में मेजर है, जैसे कि साइज, कॉस्ट, उसकी पावरफुलनेस और उसका एफिशिएंसी। ये चार चीजों में मेजर जो चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं। जैसे साइज, ठीक है, पहले बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते थे, फिर छोटे होते गए, तो बिग टू स्मॉल, ठीक है, या फिर इसको लार्जर टू स्मॉलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट, पहले बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करते थे, अभी सस्ते हुए हैं, तो कॉस्टलियर टू चीपर। ओके, उसके बाद अगर पावरफुलनेस देखा है तो आजकल की जो कंप्यूटर्स है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग होती है उसमें, तो लेस टू मोर। ओके, और एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो पहले लेस एफिशिएंसी होती थी, अभी हाई एफिशिएंसी हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे वैसे एफिशिएंसी भी हाई हो रही है। तो ये एक मेजर चीज है जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक एक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन, ठीक, इसका अगर देखा जाए 1940 से 56 के बीच में आया था ये, और इसमें जो मेजर इन्वेंशन था वो था वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर्स बनते थे। ठीक है, तो अब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के कुछ फीचर देख लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये तो आप लोगों को पता चल गया कि ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज करता था। ठीक है, और फॉर सर्किटरी, ठीक है, जितना सर्किट है उसका पूरा वैक्यूम ट्यूब से बनते थे। और जो स्टोरेज के लिए ऐसे लिखते हैं, मैग्नेटिक ड्रम, इसका इस्तेमाल होता था एज या फॉर स्टोरेज। ठीक, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहला सर्किटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब्स होता था, दूसरा जब कोई चीज को स्टोर तो करेंगे ना कहीं पे, मेमोरी तो होगी उसकी, तो मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज के लिए यूज होता था। उसके बाद अगर इसका साइज देखें तो साइज इज ऑफ एंटायर रूम, पूरा एंटायर रूम इतना बड़ा एक कंप्यूटर का साइज हुआ करता था। ठीक है, अगर इसका कॉस्ट देखेंगे तो वेरी एक्सपेंसिव, इतना बड़ा कंप्यूटर बनेगा तो वेरी एक्सपेंसिव तो हो गई।
ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग की बात की जाए तो बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, ठीक है, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग, अच्छा अब ये हो गया कि स्टोरेज के लिए क्या यूज करता था, कितना बड़ा होता था, खर्च महंगा होता था कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करता था, किससे बनता था। अब अगर आप बात करें कि ये किस लैंग्वेज पे बेस्ड होता था, जैसे हम इनपुट दिए तो इनपुट हम लोग तो अपनी भाषा में बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश हो या जो भी हो, वो अपना हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, लेकिन कंप्यूटर को ये चीज समझ में थोड़ी आएगा, तो कंप्यूटर कौन से भाषा को समझता था, तो ये होता था रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज, ठीक, ओके। और एक बात ये थी कि आज के जमाने में तो पैरेलल कंप्यूटिंग है, उस समय एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन वो परफॉर्म कर पाता था, ठीक है, तो कैन सॉल्व, ठीक है, वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, ठीक है। उसके बाद आपने किस लैंग्वेज में इसको इनपुट दिया, लेकिन इनपुट कैसे देते थे अपन, किस फॉर्म में देते थे, जैसे आज के जमाने में इनपुट हम लोग माउस से दे देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं, बहुत सारे इनपुट के प्रकार है, उस समय इनपुट देते थे हम लोग पंच पार्ट से, ठीक है, तो इनपुट वॉज बेस्ड ऑन पंच पार्ट, ठीक है, और आउटपुट कैसे देते थे, आउटपुट फ्रॉम प्रिंटआउट, प्रिंटआउट से हम लोग आउटपुट लेते थे, पंच कार्ड या प्रिंटआउट आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह या उसमें गूगल में भी आप जाके देख सकते हैं कि वो कैसे फंक्शन होता था, अब तो ये सारे ऑब्सोलेट हो चुके हैं तो इसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। इसका एक एग्जांपल अगर याद रखा जाए तो होता है फर्स्ट कंप्यूटर जो था वो था ENIAC, ठीक है, या फिर इसी को UNIVAC भी कहते हैं, ठीक। तो ये था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बड़ा आसान था, वैक्यूम ट्यूब से बनते थे और बहुत एक्सपेंसिव होता था। इसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदलती गई और 1956 के बाद से टेक्नोलॉजी में सुधार आया और फिर कुछ नया बना, और नया क्या बना, तो 1956 में अगर आप लोग को ऐसे याद होगा तो तीन साइंटिस्ट थे, वो तीनों बेल लेबोरेटरी में एक चीज बनाए थे, वो बहुत फेमस था, और वो था आपका सेकेंड जनरेशन, ठीक है, 1956 से ऑलमोस्ट 63 तक जाता है, ठीक, और इस समय डेवलप हुआ ट्रांजिस्टर, ठीक, बहुत आज भी 2019 में भी ये सबसे 20 में भी ये सबसे ज्यादा यूज होता है, और जब से डेवलप हुआ है पूरा मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो लगभग ट्रांजिस्टर की अगर आप बेसिक वो देखेंगे तो बेल लैब में ये डेवलप हुआ था लगभग 1947 के समय में आसपास, ठीक। ये था आपका फार सुपीरियर था, ठीक है, फार सुपीरियर था किससे, वैक्यूम ट्यूब से, क्योंकि क्यों था, क्योंकि ये स्मॉलर था, ठीक है, ये फास्टर था, ये चीपर था, सस्ता था, ठीक है, और ये मोर एनर्जी एफिशिएंट था, ये मोर एनर्जी एफिशिएंट था, ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये रिलायबल भी था, भरोसेमंद, ठीक है, तो कुछ पांच फीचर ऐसे हैं जो इसको दूसरे वैक्यूम ट्यूब से सुपीरियर बनाते थे। अगर आप इसमें इनपुट देखें तो इनपुट अभी भी इनपुट का जो सिस्टम था अभी भी इनपुट बेस्ड ऑन पंच्ड कार्ड पे ही बेस्ड था, ठीक है, और आउटपुट ऑन प्रिंटआउट, अभी भी आउटपुट और इनपुट में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए थे, वही पंच कार्ड और प्रिंटआउट से यूज कर रहे थे, जो लैंग्वेज यूज करते थे जिस लैंग्वेज में उस समय मशीन लैंग्वेज था, मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है, हम नहीं समझ पाएंगे उसको, कंप्यूटर समझता है उसको, वो दैट इज मशीन लैंग्वेज, तब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुआ, लैंग्वेज चेंज फ्रॉम
बाइनरी मशीन लैंग्वेज आप लोग समझते हो, मतलब मशीन दो ही चीज समझता है, जीरो वन मतलब बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो कि हम लोग को समझने में दिक्कत होगी। तो लैंग्वेज चेंज फ्रॉम बाइनरी टू असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को फायदा हुआ क्योंकि अब हम लोग बाइनरी को नहीं समझते, लेकिन असेंबली आधा तो हम लोग समझते हैं, ये है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ओके, और इसी टाइम पे हाई लेवल लैंग्वेज भी डेवलप हो रहे थे, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज वॉज ऑल्सो डेवलप्ड, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, कोबोल है, फोर्ट्रान है, ये सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, हमको बहुत आसानी से समझ में आता है, लेकिन मशीन को समझ में नहीं आता। मशीन को जो समझ में आता है वो मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज जो हमको नहीं समझ में आता, और बीच का लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज। तो उस समय लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज हो गया था, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज भी डेवलप हो रहा था। तो ये कहानी थी आपकी सेकेंड जनरेशन की, ऐसे इसमें बहुत भी बहुत सारे होंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लिखना है तो इतना सफिशियंट है आपको लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं आपका थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आपको माइक्रो क्या बोलते हैं ये ट्रांजिस्टर से थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, और हम लोग आगे बढ़े और ट्रांजिस्टर को एक चिप में डालने की कोशिश किया। तो है थर्ड जनरेशन, ठीक है, ये लगभग 1963 से लगभग 71 तक पहुंचा है, 71 तक पहुंचा है, और इसमें जो डेवलप हुआ वो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब कि इंटीग्रेट करना, बहुत सारी चीजों को एक साथ लाना, तो बहुत सारे सर्किट को एक साथ लाना, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी एक ऐसे फॉर्म में होता है जहां पे ऐसे ऐसे बहुत सारे पैर होते हैं उसके, जितने मतलब वो अलग अलग आईसी में अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, और इसमें आप अगर यकीन मानेंगे तो एक आईसी में लगभग या एक माइक्रोप्रोसेसर की बात करें अगर कोई आईसी में, तो लगभग 29,000 ट्रांजिस्टर होते हैं एक माइक्रोप्रोसेसर में, 29,000 ट्रांजिस्टर उसमें इंटीग्रेटेड होके आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी। इसी में आगे VLSI टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कैसे कर, पहले MSI हुआ, SSI हुआ स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, फिर LSI हुआ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, MSI बीच में आया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, फिर LSI के बाद आगे आया VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हम लोग और VLSI को पढ़ते जा रहे हैं, और जितना हम और से ज्यादा कॉम्पैक्ट बना पाए उतना अच्छा है। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का डेवलपमेंट हुआ। तो इसमें जो ट्रांजिस्टर्स था आपका, ट्रांजिस्टर्स वर मिनिएचर्ड, ठीक है, उसको छोटा बना दिया गया, ट्रांजिस्टर वर मिनिएचर्ड, और उसको एक प्लेस्ड ऑन चिप, एक चिप में उसको रखा गया, ठीक। और वो चिप किसका बनता था, सेमीकंडक्टर, ये सब सबको पता है, जिससे इसका स्पीड बढ़ गया और एफिशिएंसी भी आपकी कंप्यूटर्स की बढ़ गई। अब यहाँ पे इनपुट थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है। इनपुट अब यहाँ पे कीबोर्ड्स आ चुके थे, तो इनपुट पंच कार्ड से चेंज होने के बाद कीबोर्ड्स में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कीबोर्ड्स आए थे, और आउटपुट आपके मॉनिटर्स आ गए थे। तो यहाँ पे ये भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, और साथ में ये हुआ कि डिवाइसेस स्टार्टेड टू रन मेनी एप्लीकेशन एट अ टाइम, एक टाइम पे बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करना शुरू हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इसी में अगर आप देखें तो साइज भी इसका ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, तो छोटा होता जा रहा है, साइज छोटा होता गया, और जो उसका कॉस्ट था वो भी कम होता गया। कम इसलिए होता गया क्योंकि एक साथ जब जैसे भी 29,000 ट्रांजिस्टर है, कितने भी जैसे एक चिप है, ठीक है, तो ये एक आईसी बनता है, तो एक आईसी अकेले नहीं बनता, एक पूरा एक वेफर रहता है उसमें पूरा आईसी बनता है, फिर कटर मशीन से काटा जाता है और छोटा छोटा आईसी निकाला जाता है। तो एक समय में इतने सारे आईसी बनते हैं तो उसका कॉस्ट ऑब्वियसली कम हो जाता है। तो ये चार फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं हम लोग,
फोर्थ जनरेशन जो कि 1971 के बाद लगभग प्रेजेंट में है जो अभी यूज हो रहा है। फोर्थ जनरेशन जो कि 1971 से प्रेजेंट आप बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें डेवलप हुआ आपका माइक्रो प्रोसेसर, आज के जो सीपीयू वगैरह होते हैं वो यही होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रोसेसर होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, उन्हीं को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, ठीक है। तो अब बारी आई थी कि आपने इतने सारे ट्रांजिस्टर को एक आईसी में बिठा दिया। अब बहुत सारे आईसी, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ आईसी बिल्ट ऑन सिंगल सिलिकॉन चिप, थाउजेंड्स ऑफ आईसी, ठीक है, वर बिल्ट ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। तो बहुत सारे आईसी को एक साथ अगर एक सिंगल सिलिकॉन चिप में बनाया जाए तो वो उसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। अगर आप इसकी थोड़ी सी इतिहास देखें तो इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, उसका नाम था 4004, ये उसका नाम था इंटेल 404, जिसका सबसे पहला डेवलप था लगभग वही 1971 में ये माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया था, ठीक है। और ये था कि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इसमें क्या था कि लगभग सीपीयू तो था ही, प्रोसेसिंग तो ये कर ही लेता था, इसमें साथ में मेमोरी भी लगा हुआ था, ठीक है, सब कुछ एक सिंगल चिप में बना दिया गया था, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, वो पहला डेवलप किया गया था। और इसी के बाद से, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के बाद से ही सारा कुछ डेवलप होना शुरू हो गया, जैसे कि आपका इंटरनेट इसके बाद से डेवलप हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका डेवलप हुआ, ठीक है, जिसको ऐप कहते हैं, जितने भी मोबाइल में ऐप्स वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद आता है माउस, यहाँ पे एक और चीज का जैसे कीबोर्ड अभी तक था, माउस भी आने लग गया, ठीक है। और जितने भी हैंड हेल्ड डिवाइस है जो कि आप हाथों से हेल्ड कर सकते हो, वो सारे डिवाइसेस आने शुरू हो गए, इसमें अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो आता है आपका फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ये है लगभग आप बोल सकते हैं प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, आगे आने वाला जो है उसको हम लोग फिफ्थ जनरेशन बोले हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा मेजर प्ले है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो अपना इंटेलिजेंस है वो तो ठीक है, आर्टिफिशियली मशीन में अगर हम लोग इंटेलिजेंस डेवलप कर पाए तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें जितना भी नए नए टेक्नोलॉजी है, जैसे यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, सुपर कंडक्टर, इसमें आप ये लिख सकते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है, ML, इसको लिख लेता हूँ मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, जितने भी आज के जमाने में जो एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं वो सब इसी पे ही होते हैं, ठीक है। और कुछ ले लेते हैं जैसे क्वांटम कंप्यूटेशन, क्वांटम कंप्यूटेशन, और इसमें है नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें है न्यूरल नेटवर्क्स, फजी लॉजिक, ये सारे ऐसे चीज हैं जो अभी ये सब चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मदद कर रहे हैं, ठीक है। इस सब का गोल यही है एक्चुअली कि जो फिफ्थ जनरेशन का जो गोल है कि हम किस पर्पस से काम कर रहे हैं अभी, तो टू डेवलप डिवाइसेस, ठीक है, दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज,
जितने हम लोग जो बोल रहे हैं वही नेचुरल लैंग्वेज बने जो कंप्यूटर आपका समझे उस चीज को। अभी क्या होता है कि हम कंप्यूटर उस चीज को समझता नहीं है, तो हम जो बोलते हैं फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता है आपके मतलब किसी ना किसी लैंग्वेज से, आप उसको जैसे हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली में कन्वर्ट करके फिर बाइनरी में जाते हो। तो वो जितने भी लंबे प्रोसेस हैं आप ऐसे डिवाइस डेवलप करो जो आपके नेचुरल लैंग्वेज को रिस्पॉन्ड करे, ठीक है, एंड आर केपेबल, ठीक है, ऑफ लर्निंग, वो लर्न कर पाए और सेल्फ ऑर्गेनाइज हो पाए, सेल्फ ऑर्गेनाइज। तो ये सारा कुछ एम है फिफ्थ जनरेशन का। तो ठीक है, ये मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आसान है लेकिन हो सकता है कि आ जाए आपके एग्जाम में, तो आप लोग इतना लिखेंगे तो होपफुली आपको उतने नंबर मिल सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना काफी है, इसके बाद हम लोग इसमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे जो कि एक एक ब्लॉक डायग्राम को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।